टू माई चैनल टूडे आई कैन से वेलकम बैक क्योंकि ये मेरा सेकेंड वीडियो है और आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो, वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपने जानना चाहते हो कि आपको ये मेरे हेयर्स हैं वो कैसे लगे हैं और मैंने कैसे किए हैं तो मेरे एक सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि आपने कैसे किए हैं तो मैंने उस टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है तो एज यू कैन सी ये मैंने अभी सब कुछ कर लिया है तो अभी मैं आपको दिखाती हूं कि ये मैंने हेयर्स कैसे किए हैं सो गाइज वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कह, कहना चाहती हूँ डू सब्सक्राइब माई चैनल विश्लेस विद निधि एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन क्योंकि आप मुझे कॉमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा बिकॉज आपका एक भी लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई एम नर्वस टू डेट बट अभी चलो थोड़ा थोड़ा करके मेरा आपकी हेल्प से और आपके सपोर्ट से आई कैन ट्राई लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सो गाइज यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अपने तीनों प्रोडक्ट्स मेरा पहला प्रोडक्ट है जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है कैस्ट्रो ऑयल ओलियो दि रिजीनो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि इटालियन में ओलियो दि रिज कहते हैं कैस्ट्रो ऑयल को तो ये मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है सेकेंड इंग्रेडिएंट मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल जो कि है बायोलॉजिक एक्ोबायोलॉजिक और हंड्रेड परसेंट प्योर एलोवेरा जेल है इसमें विटामिन ए सी ई e, तीनों चीज़ें हैं और सेकंड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल तो मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस फ्रेड दो कोल्ड प्रेस्ड है ये तो ये मेरे तीनों इंग्रेडिएंट हैं एक कटोरी में हमें एक चम्मच की हेल्प से इन तीनों प्रोडक्ट्स को ले लेना है तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है तो वो तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें एक चम्मच की हेल्प से एक चम्मच मैंने ले लिया है ओलियोदरी छीनो जो कि है कैस्टर ऑयल एक चम्मच ये बहुत हैवी ऑयल है और इसकी डेंसिटी काफ़ी हैवी होती है सो तो हमें ये एक चम्मच ही लेना है वरना शैम्पू ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो दो चम्मच हमें ले लेने हैं ऑलिव ऑयल के कैस्टर ऑयल के कंपेयर ऑलिव ऑयल इतना हैवी नहीं होता बट फिर भी हमें दो चम्मच बहुत हो जाएंगे एक चम्मच हमें ले लेना है एक्स्ट्रा इसका हंड्रेड परसेंट प्योर एलोवेरा जेल का एक चम्मच हम इसका लेंगे और हम तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक स्पून की हेल्प से इस स्पून की हेल्प से हम मिक्स कर देंगे एलोवेरा जेल जो है वो ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है ऐसे सो so, हमें इसे मिक्स करने के लिए इसे हल्का सा वार्म करना पड़ेगा सो गाइस लेट्स वाम इट थोड़ा सा हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा ग्रीन ये ऑलिव ऑयल की वजह से है तो इसका रंग ग्रीन आया थोड़ा सा हल्का सा हरा तो इसे अब हमें अपने हेयर पे अप्लाई करना है एज अ हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले हम अपने हेयर्स को अच्छी तरह से कॉम करेंगे सारी उलझनों को निकालेंगे डिटेंगल करना इसलिए ज़रूरी है हेयर्स को क्योंकि अगर हम ऐसे ही अपने बालों पर ऑयल लगा लेंगे मास्क लगा लेंगे तो उससे बाल ज़्यादा टूटते हैं अगर हम पहले हमारी सारी उलझने निकाल लेते हैं हेयर्स की तो उससे हमारे शैम्पू करने वक्त बाल नहीं टूटेंगे तो इस हेयर पैक को जो हमने बनाया है इन थ्री इंग्रेडिएंट्स से इसे हम अपने पूरे हेयर्स पर लगा लेंगे एलोवेरा जेल है जो वो एक मैजिंग इंग्रेडिएंट है हेयर्स के लिए स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और जब हम इसे कैस्ट्रॉय और ऑलिव ऑयल में मिक्स कर लेते हैं तो ये हमारे हेयर्स की रूट्स में जाकर इसे बहुत फ़ायदा देता है और हमारे हेयर्स नेचुरली ही स्ट्रेट और स्मूथ सिल्की हो जाते हैं तो हमें कोई भी स्टेटनर कुछ भी बालों को हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छी तरह से अपने सारे हेयर्स पर बालों की लंबाई पर बालों की टिप्स पर हमें इसे लगाना है क्योंकि स्प्लिट एंड्स भी होते हैं लगाने के बाद हमें फाइव मिनट के लिए इसे मसाज करना है हल्के हाथों से ज़ोर से नहीं करेंगे क्योंकि बाल टूटते हैं ज़्यादा ज़ोर से मसाज करने से हेयर पैक लगाने के बाद हम एक रबर बैंड की हेल्प से बालों को टाई कर लेंगे और बालों को टाई करने के बाद हमें वन आवर के लिए इसे छोड़ना है गैस ताकि ये हमारे हेयर्स की रूट्स में अच्छी तरह से अपना असर दे तो एक घंटा लगाने के बाद मैंने ये शैम्पू किया है एक घंटा छोड़ें और उसके बाद बालों को धो लें तो धोते हैं एक घंटे के बाद मैंने अपने बालों को धो लिया है और धोने के बाद टावर से एक्स्ट्रा वाटर निकाल लिया है तो अब हम अपने बालों को सुखाएंगे

किसी भी नुकसान के बिना बालों को ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए मेरे साथ विश लिस्ट विद निधि हल्लो देख रहा कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कितना इजी है अपनी हेयर केयर करना क्योंकि कोरोना कहता है घर पर कुछ करो ना तो करते हैं ना अपनी हेयर केयर तो ट्राई कीजिए ये हेयर केयर अपने घर पर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने जो ये ट्राई किया तो आपके हेयर्स अपनी फोटो शेयर कीजिए कि आपको कैसी लगी और मैंने इस हेयर केयर के बाद जो शैम्पू किया उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज किए हैं अपना शैम्पू अपना कंडीशन कैसे किया है उसको अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मैं उस पर भी अपना एक वीडियो बनाऊंगी आपको बताऊंगी अपने प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी और उसका रिव्यू करूंगी तो मिलते हैं उतनी देर के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप ये ट्राई कीजिए और मुझे बताइए गाइस डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कमेंट सेक्शन मत भूलिएगा सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर स्टे होम से स्टे